के जिला कार्यालय में मंगलवार को जिला कार्यवाहक समिति की घोषणा की गई। ये घोषणा नेताओं और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे हॉल में चार सदस्य कोर कमेटी की टीम ने की, जहां घोषणा समिति के सदस्य रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि घोषित समिति स्थायी चुनाव होने तक काम करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत रैली निकाल कर की गई। ये रैली लंगर सिंह कॉलेज परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद निकाली गई, जो जिला कार्यालय में आकर समाप्त हुई। इसके बाद जिलाध्यक्ष के साथ काम करने के लिए 22 उपाध्यक्ष और 18 जिला सचिवों के नामों की भी घोषणा की गई, जहां मंच संचालन जन स्वराज विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर के कौशिक ने की। इस अवसर पर शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण शाह, भूषण झा, रेणु पासवान, चटू सैनी, गोपाल शाही सहित सैकड़ों की संख्या में जनसुराज के सदस्य उपस्थित रहे। रखने वाले नेता कोई नहीं होते हैं, ये जनता है। बहुत दमखम वाले नेता आए जो अर्श पे थे, अर्श पे आ गए, और जो अर्श पे थे वो फर्श पे चले गए। जनता के बीच में रहना है, अच्छा कर्म करना है, और अपने कर्म से नया एक पहचान बनाना है। और उस पहचान में जो हम लोगों का संस्थापक सदस्य और जनसुराज का जो संगठन है, वो हम लोगों को जहाँ पे लगाएगा, चाहे वो चुनाव लड़ाए या संगठन के निर्माण में लगाए या बिहार के नव निर्माण में लगाए, हम लोग एकदम कड़ी मेहनत से हम लोग अपने बिहार को बदलने के लिए, बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग लगे रहेंगे। जैसे कि आप राय चाहते हैं, राय की जो दुर्दशा है उसको लेकर लोग अब चाह रहे हैं कि विधायक प्रत्याशी चेंज हो। देखिए, आज तक तो जो विधायक होते आए हैं वो झूठे पुलिंदे के वादों पर अपना इमारत खड़ा करते आए हैं। तो जो झूठा इमारत होता है उसकी नींव कभी न कभी ढहती है, और जनता जब जिस दिन सच्चाई से कुछ समझ जाएगी, हम लोग जनसुराजियों का क्या काम है, जनता को सही सोच उसके मस्तिष्क तक ला देने का, सच्चाई को सामने पटल पे ला देना है। जब ये सच्चाई सामने आएगा, सारा झूठ का जो इमारत है वो ढह जाएगा और खड़ा होगा। आज जो है जनसुराज का जिला कमेटी का गठन हुआ है, घोषणा हुआ है। जिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, किसान अध्यक्ष एवं सभी प्रकोष्ठों का अध्यक्षों की घोषणा हुई है, पदाधिकारियों की घोषणा हुई है जनसुराज की। दो अक्टूबर के पार्टी बनने वाले हैं। दो अक्टूबर की पार्टी हमारी बनी। प्रशांत किशोर जी का एक ही नारा है, सभी गरीब गुड़वा और एक साथ लेके उनके जो पद यात्रा चल रही है, इस पर कुछ कहिए। निश्चित अच्छी नारा है प्रशांत किशोर जी का नारा है, जिस सभी लोग आज तक सत्ता चेंज किए, लोग चेंज करके आए तो कोई 19 चलाया, कोई 20 चलाया, यानी कोई 19 लूटा, कोई 20 लूटा, लेकिन प्रशांत जी का कहना है हमारी सरकार बनेगी तो सत्ता चेंज नहीं होगा, व्यवस्था को मैं चेंज कर दूंगा, और बिहार का नक्शा पूरे भारत में एक नंबर पर नक्शा होगा बिहार का, ये उनका सोच है और उनका नारा है। और जैसे उनका कहना है एक घाट पर बाघ और बटेल को पानी पिलाना है, कहने का मतलब है जिस स्कूल में गरीब का बेटा पढ़ेगा उसी स्कूल में अमीर का बेटा पढ़ेगा, उसी भी स्कूल में गरीब का बेटा पढ़ेगा, जिस हॉस्पिटल में अमीर का इलाज होगा उसी हॉस्पिटल में गरीब का इलाज होगा, ये उनका सोच है। अलग अलग नहीं यहाँ व्यवस्था होगा, बिहार में व्यवस्था एक होगा। क्या पहचान हो? अभी जो मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम चल रही है, अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।